इंडिया बोला जाता है कि ये बड़ा एक ये एक ऐसा देश है जहाँ पर उल्लास और हम लोग जो भी हैं हम लोग सब चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, हमारा हर एक दिन सेलिब्रेशन का है। तो 22 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री क्या है उन्होंने कहा लॉकडाउन कीजिए, लॉकडाउन हुआ, मोमबत्ती लेकर आई, मोमबत्ती लेकर आए लोग, और उन्होंने कहा कि भाई थाली बजा कर और ताली बजा कर आप लोग स्वागत कीजिए। तो जनता इतनी उत्साहित हो गई कि वो सड़कों पर निकल आई थाली और ताली को लेकर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ और अभी क्या हो रहा है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अभी हमारी डॉक्टर की टीम्स पर हमला होता है, मुरादाबाद में हुआ और इंदौर में हुआ, और ये बड़ी शर्मनाक बात है कि हम लोग इस चीज़ का एक विटनेस कर भी जा सकते हैं, लेकिन जो लोग भी कर रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। चलिए, तो गूगल ने अभी कल वेनेसडे निकला है तो इसमें एक अपना वो बनाया है, गूगल बनाती है ना आपके गूगल की आप वेबसाइट पर जाइए, तो गूगल से उसने सेलिब्रेट करा, डूडल से उसने सेलिब्रेट करा, डूडल बनाकर कि हम लोग किनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, उन्होंने जो पैकिंग कर रहे हैं, जो शिपिंग कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर नर्स और जो हमारे संपर्क कर्मचारी हैं वही असली हीरोज नहीं हैं इस एपिडेमिक एरा के दौरान, हमारे पैकिंग भी कर रहे हैं, हमारे शिपिंग में भी लोग हैं जो इधर से दवाइयाँ उधर ले जा रहे हैं, हमारी इंडियन एयरफोर्स है वो कहाँ से रिपोर्ट कर रही है लोगों को छोड़ कर आ रही है, वहाँ से आपकी ये जो दवाइयाँ हाइड्रोक्लोरोक्विन इसको लेकर पैकिंग करके इसको लेकर हम लोग अमेरिका तक गए हैं। तो ये लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए, इन्हें एक सल्यूट करने के लिए गूगल ने कल यानी 15 अप्रैल को एक डूडल बनाया जिसमें उन्होंने ये कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा था इसमें एक वीडियो बनाना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा उन्होंने ये कहा कि भाई जो डिलीवरी वर्कर्स हैं वो बहुत बधाई के पात्र हैं। अब गूगल ने एक स्टे होम स्टे सेफ की एक मुहिम भी शुरू की थी, बड़ा अप्रिशिएबल है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं सोचिए, हम लोग उन डॉक्टर्स को हमला कर रहे हैं, उन डॉक्टर्स पर ईंटा चाकू और इन सब से हमला कर रहे हैं, और ये बड़ी शर्मनाक बात। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पर कि क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो एक मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि सर व्हाट इज द रिकवरी टाइम। देखिए हर एक बॉडी का रिकवरी टाइम अलग, ठीक है ना, अगर इसका मीडियन या मीन निकाला जाए तो ये आता है 6 हफ्तों से लेकर 6 हफ्तों तक। हाँ आप ये कह सकते हैं 6 हफ्तों तक बहुत मतलब मैक्सिमम के 6 हफ्तों या 8 हफ्तों तक आप लगा लीजिए। अब मुझे क्यों पता मालूम है कि मुझे बहुत लोगों ने कहा कि सर क्या वायरस ऐसा इन्फेक्टिव चीज़ है जो बहुत इफेक्ट कर सकता है। मैंने कहा भाई देखो मेरे पास प्रूफ है क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू एन बैक्टीरियल अटैक। एक बैक्टीरिया है स्टेफकोकस, स्टेफकोकाई और स्टेफकोका भी बोलते हैं उसको, तो वो somehow I got infected with it। और मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ, क्लॉट बना दिया मेरे जो इंडेक्स फिंगर है उस पर, जो स्मॉल फिंगर है उस पर मेरे ऊपर एक क्लॉट बना दिया, ये देखिए ये पूरा डेड बना दिया उसको। हुआ ये था कि पिछले साल 2019 में तो मुझ पर somehow I got infected, bacteria get inside my blood stream, ठीक है ना। अब वो ब्लड स्ट्रीम में चला गया तो ये होता है ये कलेक्शन करता है, जैसे आपका वायरस हमला करता है, जैसे क्या COVID-19 है, ये RNA बेस्ड है इस पर, इसकी आधी स्ट्रिंग्स लगती रहती है। आपको मालूम होगा कि RNA में ये हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन ये पूरा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं रहता, इधर इसके बॉन्ड्स निकलते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से RNA, तो मेरा जो बैक्टीरिया था वो तो DNA बैक्टीरिया, ठीक है ना, डबल हेलिक्स। तो हुआ ये कि पिछले अप्रैल को मतलब 2019 में मेरी हार्ट बीट बंद हो गई, तो डॉक्टर को वेरी सरप्राइज कि भाई इसकी हार्ट बीट क्यों बंद हो गई एकदम से, एंड देन इंजेक्टेड मी विद इंजेक्शन और उससे वो बोलते हैं ना उसको इंजेक्शन
इंजेक्शन देते हैं छाती में और फिर शॉक देते हैं, तो आई गॉट रिकवर्ड सम। तो उसके बाद ये स्टडी हुआ, तो ये स्टडी में ये मालूम चला कि एक स्टेफ कोकाई की कॉलोनी में मेरे हार्ट पर बन गई है, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे हार्ट बीट को बिल्कुल स्लो डाउन कर दिया। मेरे को ट्रीटमेंट हुआ और तीन चार हफ्ते ट्रीटमेंट हुआ, आई गॉट ओके, आई गेट केम बैक। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन तीन चार मतलब एक आधा महीना बाद, आप समझ लीजिए आधा महीना बाद, मेरे ब्रेन में कुछ अजीब एक्टिविटी शुरू हो गई। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो एस्ट व्हाट आई वाज डूइंग, दैट इज व्हाट माय फादर सेड, ठीक है ना। अब हुआ ये कि मेरी ब्रेन में नसों में से खून निकलना शुरू हुआ, इतना थिन हो गया था, निकलना शुरू हुआ। तो डॉक्टर्स मेरे को ले गए एम्स, वहाँ पर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया मेरे को, और उसके बाद ये शुरू हुआ भाई इसको इन्फेक्शन किस वजह से हो गया। तो उन्होंने सारे तमाम टेस्ट करे, उन्होंने फिर हार के एच आई वी टेस्ट भी हुआ मेरा, वो भी मेरा नेगेटिव, सारे टेस्ट मेरे नेगेटिव आए। तो उन्होंने कहा इसको एक बार स्टेप हो गए पर वापस ट्रीटमेंट कर दो। तो डॉक्टर्स ने कहा कि सर इसकी तो ट्रीटमेंट हो चुकी है, उन्होंने कहा नहीं इसको दोबारा से रिवाइव हो शायद हो गया है। तो उन्होंने कहा तुम देखो दोबारा से। तो व्हेन दे गॉट माय ब्लड कल्चर तो उसमें पाया कि भाई स्टेप हो गया, वापस आ गया और somehow it did this, ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने कहा उसकी जो मेडिसिन्स मेरे को बताई थी ये आई वी सेट, मतलब इंजेक्शन से आपको ट्रीटमेंट देना पड़ता है और बड़ा पेनफुल इंजेक्शन होता है भाइयों, जो इंसर्ट होता है। मेरे दिन में 8 इंजेक्शन उन्होंने प्रपोज किए, तो मेरी जो नर्स नसें हैं वो सब गायब हो गई थी, बिल्कुल कहीं नसें नहीं सूझती थी मैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका इंजेक्शन शुरू करो और इसको 6 वीक्स पर रखो। तो 6 वीक्स ट्रीटमेंट चला फिर ओके, लेकिन फिर बाद में एक स्मॉल स्ट्रेन फिर बन गया मेरी बॉडी में। फिर मेरे को फाइनली 8 हफ्तों तक वही आईवी और उसी आईवी पर मेरे को रखा गया, रिजल्ट आया नाउ परफेक्टली। तो बैक्टीरिया या हो या आपका वायरस हो, इट इज वेरी वेरी डेंजरस, इट कैन बी एन एटीज। आप देख रहे हैं COVID-19 में कि इट इज लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है ना। मेरा जो बैक्टीरिया अटैक था इट वॉज लाइफ थ्रेटनिंग टू मी, ठीक है ना। तो बहुत सारे और दूसरे वो आते हैं कि सर व्हाट इज द ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट का तो आप सभी लोग जानते हैं, आपने डोनाल्ड ट्रंप बाबा हैं अमेरिका में, उन्होंने कह दिया कि हाइड्रोक्लोरोक्विन मेडिसिन हो सकती है, उसने इंडिया को भी धमकी दे दी अगर नहीं दोगे तो यू हैव टू गेट रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। बड़ी स्टूपिड चीज़ें हैं। अब अगर लोग ये सोच रहे हैं इसकी दवाई याद हो गई है, कोई कहता है कि जयपुर में दवाई याद हो गई है, अभी कुछ नहीं है इसमें। सबसे जो सुलझा हुआ और जो मेरे हिसाब से और मैंने जितनी भी रीडिंग की, जितने भी मैंने बुक्स पढ़ी हैं और आर्टिकल्स पढ़े हैं, वो सब एक ही चीज़ कहता है कि स्टे सेफ एंड स्टे आइसोलेटेड। आपको आइसोलेशन से बेहतर कुछ नहीं है। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये भी एक क्वेश्चन आया था कि क्या सर हेडेक भी इसका सिम्टम है। नहीं देखिए, हेडेक अकेला हेडेक सिम्टम नहीं है। अगर आपको हेडेक आता है और आपकी रनिंग नोज आ रही है और आपको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत है, देन यू हैव डेवलप सम सिम्टम्स। ये नहीं कि आपको कोरोना हो गया, आप कॉल कीजिए, आरोग्य सेतु ऐप बनाया डॉक्टर्स मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, मेडिकल टीम आएगी उनके साथ कोऑपरेट कीजिए, ठीक है ना, और अपना टेस्ट कराइए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वापस भी चले गए। एक किसी ने मुझे बताया कि सर क्या प्लाज्मा ट्रीटमेंट है। हाँ, प्लाज्मा एक ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ माइल्ड केसेस में है, मतलब आपकी माइल्ड सिवियरिटी है, यानी आपको कोरोना हो गया है एंड यू आर इन द अर्ली स्टेज। तो आपका जो उसमें प्लाज्मा में जो ट्रीटमेंट होकर ओके होकर लोग गए हैं, तो उनका प्लाज्मा निकालते हैं और फिर वो प्लाज्मा उसमें क्योंकि एंटीबॉडीज होती है प्लाज्मा में, उसको आप इंजेक्ट कर देते हैं। अगर थोड़ा नहीं क्लियर हो रहा तो मेरे
प्रीवियस वीडियोस डाली मैंने एक्सप्लेन किया है कि प्लाज्मा ट्रीटमेंट का क्या है। तो उसमें एक तो ये है कि आपको कोऑपरेट करना है, पैनिक नहीं करना है, और आपकी जो डाइट्स हैं। अच्छा, एक ये आया कि सर क्या ये एयर में फैलता है? ये कोरोना वायरस एयर में नहीं फैलता। इसको ये बोल सकते हैं कि आपने अगर अपना माउथ कवर नहीं कर रखा, किसी को खांसी आई, ड्राई कफ भी एक सिम्टम है इसका, और स्लो थ्रॉट, तो समहाउ उसने खांसी किया, खांसी कुछ ड्रॉपलेट्स उसके मुंह से निकल के चले गए, या उसने छींका, ठीक है ना, कुछ और दूर के आगे तक जाके ड्रॉपलेट्स चले गए जो आपके सलाइवा के थ्रू आते हैं या आपके जो म्यूकस में रनिंग म्यूकस में डेवलप हो जाता है, तो उसमें होता है। अगर ये सरफेस पे आ जाता है और अगर आपने उस सरफेस पर उस कंटेमिनेटेड सरफेस को छू लिया, ठीक है, सपोज आपकी चप्पल है, चप्पलों से आप चल रहे हैं, चप्पलों से चल गए और आप उस कंटेमिनेटेड सरफेस के ऊपर चले गए, तो आपके चप्पलों में जो फ्लोर आपकी स्लीपर से उस पर आ गया वायरस, फिर आप अपने घर में पूरे में घूम गए, ठीक है साहब, और कोई छोटा बच्चा है उसने उस पर पाँव हाथ रख दिया, उसके हाथों में आ गया, फिर उसने आपके मुंह को छू लिया, तो उससे आपके बॉडी में फिर भी पॉसिबिलिटी है। तो क्या ट्रीटमेंट है? मास्क को कवर रखिए, थूकिए नहीं। अब तो इंडियन गवर्नमेंट ने, होम मिनिस्ट्री ने ये निकाल दिया कि थूकते हुए पाए गए तो देन यू हैव टू पे द फाइन, आपको जेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का बड़ा ख्याल रखिए। और ये पूछा था किसी ने मुझसे कि सर पे अगर सरफेस पे ये रहता है तो ये कितना दिन तक सरफेस पे सर्वाइव कर सकता है? इट कैन बी फॉर फ्यू आवर्स, इट कैन बी फॉर फ्यू डेज। अब डिफरेंट सरफेस में उसमें उसकी जो है जो पॉसिबिलिटी है सर्वाइवल की वो डिफरेंट पाई गई है। प्लास्टिक में कुछ दिन तक रहता है और जो दूसरा टाइल्स वगैरह है उस पर थोड़ा ज़्यादा सर्वाइव कर जाता है। तो बात यह है कि अगर आप कहीं पर भी बाहर जा रहे हैं, समहाउ पहली बात तो आपको अपने बाहर निकलना नहीं है, समहाउ स्टेप वन कि अगर आपको बाहर निकलना ही निकलना है तो आप आरोग्य सेतु ऐप को एक डिजिटल प्रोटेक्शन को लेके चलो अपने पॉकेट में, ताकि आपको अलर्ट मिल जाए कि बंदू यहाँ पर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, इससे बच के निकल जाओ, ठीक है ना। चेंज योर रूट, तो वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उस एरिया में आसपास घूम रहा है, यू हैव अ पॉसिबिलिटी टू गेट एन अलर्ट, तो उस केस में आप कोर्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप बाहर जा रहे हैं, स्लीपर्स हो, शूज हो, उसको आप घर के बाहर ही रखें, और फिर ग्लव्स पहनिए, फिर उसको वॉश कीजिए प्रॉपरली विद सोप। एक मेरे पास क्वेश्चन आया कि सर व्हाट हैपेंस अगर इसका क्या होगा, अगर आई फाइंड इट इफेक्टेड। पैनिक होने की जरूरत नहीं है बॉस, सब ट्रीटमेंट है, डॉक्टर्स लोग कोशिश कर रहे हैं, देयर इज नो मेडिसिन, या आई एग्री विद इट, देयर इज नो मेडिसिन, लेकिन मेडिसिन के बिना अगर कोई कोशिश करता है कि पॉसिबिलिटी है, वो आपके बॉडी में ही रेजिस्टेंस आपको ही खुद ही डेवलप करना पड़ेगा। क्या गर्म पानी रेजिस्टेंस हेल्प करता है? हाँ, गर्म पानी तो वेदों में बताया गया कि सुबह और शाम को खाने से पहले गुनगुना पानी पीना चाहिए, खाना खाने से पहले आप गुनगुना पानी पीजिए, ठीक है ना, तो वो हेल्प करता है। और आप जड़ी बूटियों पर और इन सब पर मत जाइए, आप सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी जो आंवला हुआ या ऑरेंजेस हुए, जो सिट्रस फ्रूट हैं और जो इंग्रीडियंट्स हैं या सप्लीमेंट्स हैं उनका आप सेवन कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑल इन ऑल आपको अपना रेजिस्टेंस बढ़ाना है, रेजिस्टेंस बढ़ाने के साथ ही आपका सारे काम ठीक है। इसका ऑफिशियल नेम क्या है? इसका ऑफिशियल नेम WHO ने लिखा है SARS-CoV-2, इसका ऑफिशियल नेम है। और ये
मैंने बताया ना कि इट इज अ सिंगल स्ट्रक्चर्ड आरएनए बेस्ड, और इसमें इसके जो ये हैं जो आरएनए है जहाँ पर ये म्यूटेशन करता है बॉडी में आकर स्ट्रेन साइंस के, इंडिया में कितने स्ट्रेन्स हैं? इंडिया में अभी तक जितने भी टेस्टिंग वगैरह हुई है वहाँ पर दो ही स्ट्रेन्स पाए गए हैं, अमेरिका में 8 स्ट्रेन्स हैं, चाइना में क्या था, चाइना का तो अभी डाटा मालूम ही नहीं चला है, लेकिन ये जो जो चाइना में ओरिजिनल चाइना में जो वायरस निकला था उसने बॉडी टू बॉडी बदला और वो अमेरिकन बॉडी में गया जहाँ पर आपका डीएनए स्ट्रक्चर सब अलग होता है, देन इट गेट म्यूटेटेड, उसने अपने आप को 8 बार बदला है, ठीक है ना। इंडिया में पॉसिबिलिटी तो है कि हो, रहने की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन अभी तक तो गॉड्स ग्रेस की यहाँ पर सिर्फ 8 ही स्ट्रेन और 2 स्ट्रेन से 30,000 बेस पेयर हैं, 30,000 टाइप्स ऑफ बेस पेयर हैं, तो अगर ये म्यूटेशन पे आ गया, अगर ये एपिडेमिक हो गया एंड इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, देन इट कैन चेंज इनटू ए 30,000 डिफरेंट टाइप ऑफ कोविड वायरस, ठीक है ना, कोविड-19 तो उसको बीमारी को बोलते हैं, ठीक है। और ये पूछा था कि कौन कौन रिस्क में है, रिस्क में तो गुरु सभी लोग हैं, पहले बोलते थे कि छोटे बच्चों को नहीं होगा, 6 महीने की बच्ची को हो गया, ठीक है, लेकिन जो हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनकी बॉडी की रेजिस्टेंस कम, छोटी बच्ची को जिसको 6 महीने की बच्ची को जिसको बोलते हैं कि उसको, मैंने अपनी अभी आंखों पर इस वजह से रखा कि आई हैव ऑलरेडी वॉच माय, ठीक है, तो ये बोलते हैं कि हो सकता है उसकी रेजिस्टेंस पावर कम हो, ये उसी पर अटैक करता है जिसकी रेजिस्टेंस बॉडी की रेजिस्टेंस पावर है वो कम। ओल्ड पेशेंट, ओल्ड पीपल हुए, उसमें ये जरूरी नहीं कि सारे ओल्ड पीपल्स को हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसकी कैन देयर बी एन एंटीबायोटिक, अभी एंटीबायोटिक जैसा कुछ नहीं है, ठीक है, और आपके स्कूल्स और बहुत सारी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको मैं भी ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ, और मेरे भी जो ट्यूशन्स हैं वो ऑफ हो रखे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया, और वर्ल्ड वाइड FRSC और यूनिसेफ और WHO ने भी ये कहा है कि भाई अब इसको आप बंद करिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को आप बंद कीजिए, बच्चों को छुट्टी मनाने दीजिए, इंजॉय करने दीजिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऐप लॉन्च हो चुके हैं, जूम वालों को मजे आ रहे हैं, और माइक्रोसॉफ्ट की टीम्स दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब कि आप ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लाइक 250 पीपल यू कैन टीच एट वन टाइम, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है और बड़ा इनोवेटिव चीज़ है कि डिजिटल, जो अब सही मायनों में डिजिटल इंडिया अब आ रहा है, लोग पैसों को भी लेने से डरते हैं, कहते हैं भाई साहब हम डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, स्कूल्स भी डिजिटली चल रहे हैं, ऐप भी डिजिटल लॉन्च हो गया, आपको सिक्योरिटी भी डिजिटल मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात है और ये बड़ा कमेंडेबल जॉब है, ठीक है ना। तो यहीं रहिए, घर पे रहिए, अंदर रहिए, और राम गुरु बने रहिए, और जितने भी आपकी सर्कल्स हैं वहाँ पर सब जगह इस चैनल को पहुँचाइए, मदद कीजिए,